यार जीत गए भाई, जीत गए भाई, जीत गए, जीत गए, जीत गए, थैंक यू भाई, शुक्रिया, आई लव यू, बाय बाय बाय, खुश हो भाई, कल जी जीत होगी, ऐसे कर दो ऐसे विक्ट्री कर रहा था उससे, जब आया जब शुरू में आया जब मिला जब मको अंकल हमने कह दी, उसके बाद 15 मिनट की वोटिंग ओवर, वो बाद की बात है, लेकिन वो भी हमने किया सब 15 मिनट भी नहीं छोड़े हमने, लाइव चलाई इंस्टाग्राम लाइव चलाई, क्या कुछ नहीं चलाया, आप जब कह रहे थे ना कि हो रहा, जब तक पीछे सिस्टम हैंग हो चुका था, एक मोमेंट ऐसा नहीं गया कि काम ना हुआ हो, और जीत गए बताइए हमको, वैसे तो घोड़ा भी आया घर में फ्री का, अब तो सिस्टम करेंगे, सिस्टम फाड़ रहे, देखते क्या होता है, अब भी कह रहे हैं अब देखते क्या होता है, अब तो भाई मौज मस्ती है, प्यार है जनता का भाई, प्यार था ही भाई, वजीराबाद का छोरा हमारे भाई के दर्शक, हाँ भाई चीत बड़ा आदमी हो गया है, बड़ा आदमी हो गया है, अपना भाई बड़ा आदमी हो गया भाई, क्या करे, अब हमने ऐसे वेट करना पड़ेगा, अब वेट कर दो भाई, लाइन में लगे हैं अपने भाई से मिलने के लिए, कल को देख ले हम नजर मारे तो अंदर चल जाए भाई, क्या करे अपना नुई है सारे भाई, अपना नुई है, इतिहास तो रची दिया, कभी हुआ ना कभी होगा ना, वर्ल्ड कप कभी जीतता ना जीतेगा भाई, जीत गया, एक महीने तोड़ दिया भ्रम, तोड़ दिया बिग बॉस का, बिग बॉस का भ्रम तोड़ दिया, एक एक महीने वेट किया, अभी थोड़ी देर और वेट कर लेंगे, कोई ना भाई थोड़ा बुरा लगेगा, 20 मिलियन कुछ नहीं कहना चाहते, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, हमको पता है, आराम से बात करेंगे होटल जाके, एक महीना इट वॉज वेरी टफ, टफेस्ट वन मंथ हमारा भी और हमारे भाई का, बट भाइयों का बहुत सपोर्ट था यार, मतलब जो सपोर्ट था ना, हर एक बंदे को दिल से शुक्रिया यार, अरे जिस भाई ने भी एक वोट भी किया ना उसका भी मतलब है, दिल से शुक्रिया यार, आभार आभार, मैं कहता रहा हूँ हमारे भाई को ये बस बता दो कि बाहर खड़े चीते, चीते और शेर खड़े बाहर वेटिंग में, वेटिंग में क्या लाइन में भाई, हर एक भाई को, हाँ दिवेश भाई बन गया है लड़का, स्टार बन गया है, खुशी हो रही है भाई, अच्छा लग रहा है यार, इतनी खुशी कभी नहीं हुई, गिर गए भाई, अपना लड़का स्टार बन गया है, ये हुआ क्या करे, अरे भाई आराम से भाई, हमारे लड़के ने मत मार दियो, अपना ब्लॉग हो गया भाई, क्या करे, भाई मजे आ गए ये देख के, इस दिन के लिए मेहनत करी थी हम लोगों ने, जिसे कहते हैं ना मौज मस्ती सारी, एक तरफ हमारा छोरा दाब दिया, मीटअप हो गया गाइस, मीटअप हो गया गाइस, इंडियाज़ बिगेस्ट मीटअप, पेप्सी मीटअप, अरे कहाँ भगा रहे हो, रुक जा अपने व्लॉग चैनल पे वापसी कर लो, पल हाँ यार लॉन्ग टाइम मैंने नहीं, बहुत मजा आया भाई, बताइए तो वैसे शरीर किसकी चोरी करी भाई, अपना भाई बाहर आ गया है, अब मच्छर नहीं बोलना, सांप बोलना, सांप भाई, ये अपनी पूजा जी, जैसे कि आप देख रहे हो लाइव देख ले पूजा जी, हाँ जी, अरे पीछे बेबी का जी भी है, बेबी का जी क्या हाल है आपके, अगर आप ब्लॉग देखो तो प्लीज करिएगा हमको रिप्लाई, बैक टू बेसिक्स मस्त चल रहा है सारा, और कल से अपने रेगुलर एलिश भाई वाले ब्लॉग, और ये अपनी 26 गैंग पूरे, उनकी अपनी असली फैन फॉलोइंग रही है, मतलब
ये अपने अलबात दी छोरे भाई, मैं तो साइड से निकल जाऊं पर भाई साहब मजे आ रहे हैं। क्या हाल है भाई, कैसे हो भाई? मजे आ रहे हैं, बिग बॉस जीत गए और तो क्या ही चाहिए। बाकी वो जाके ट्रॉफी देखे आते कि ट्रॉफी कैसी है, क्या कुछ है भाई, सिस्टम है, मजा आएगा आने वाली लाइफ इज गोइंग टू बी फन भाई। हमने तो चलो आओ अरे भाई यार, मान जाओ मान जाओ मान जाओ मान जाओ मान जाओ मान। अरे आराम से आराम से आराम से भाई, आराम से आराम से आराम से, लग जाएगी लग जाएगी लग। अरे टूट जाएगी भाई, आराम से गिर गया भाई। वो बालक थक गए हैं, बालक थक गए हैं मेहनत कर कर। आखिरी के कुछ क्षण हैं, बालक थक गए हैं मेहनत कर कर। जीसस क्राइस्ट कितना बड़ा पिज्जा, वो कहाँ है वो बंदा कहाँ है भाई, किसके लिए बड़ा पिज्जा मंगाया भाई, बुलाओ चाची जी सरप्राइज। जीत गया तो एक बड़ा पिज्जा खा रहे हम, वरना छोटा पार्टी कर रहे हैं एलिस भाई। तो गाइस अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक सब्सक्राइब शेयर डिस्क्रिप्शन में। अरे हाथ दोबारा सौंप रहा हूँ मैं, दे दे यार ठीक है ना। चलो बताओ इंस्टाग्राम पर कितने हो गए होंगे, अरे पता लग गया कितने टाइम बाद मैंने अपना व्लॉग चैनल अपना व्लॉग अपने हाथ में उठाया, अपनी तलवार वापस ली भाई। हमने तो सौंप दी, अच्छे डालते हैं यार अपनी तलवार वापस, तलवार इसकी भाई, मेरा और मेरे परिवार की तरफ से। सुबह 5:36 पे मेरे हाथ में फोन आया एक तरीके से, ये हमारे टाइगर टाइगर जिंदा है, ये हमारी माता श्री जो पतली हो गई है बहुत ज़्यादा, अब तो नहीं लग रहे आप पतले, अब तो आप वैसे ही लग रहे हो, ये हमारे विनय भाई जो कोऑर्डिनेटर हैं बहुत बड़े, और हमारे कटारिया जी जिन्होंने बहुत पीछे से फुल सपोर्ट पूरा धक्का लगाया, और ऊपर एक मंजिल पे, कौन सी मंजिल पे हैं वे सारे, 26 किसी बड़ी मंजिल पे हैं, वहाँ पे पूरा मेरा ग्रुप बैठा है, मैं एक बहुत स्ट्रॉन्ग बहुत ज़्यादा मेरी बैकबोन बैठी है, ऊपर बहुत सारे मेरे भाई बैठे हैं, और सबको शुक्रिया करने से पहले जहाँ से मैं बिलोंग करता हूँ, मेरा गांव वजीराबाद, पूरा मेरा प्रदेश हरियाणा, एक तरीके से पूरा हमारा इंडिया, और हमारी 36 बिरादरी को मेरी तरफ से मेरी फैमिली की तरफ से बहुत बहुत शुक्रिया। आप लोग ना होते तो मैं नहीं होता इस मुकाम पे, जो आज मैं बिग बॉस की ट्रॉफी जीता, ट्रॉफी मैं दिखाता आप लोगों को ऊपर है, बट ऊपर जाके भी सबसे मिलवाएंगे, सबसे बातचीत करवाएंगे, बट तहे दिल से खासकर मेरे गांव जिनका नाम मैं अब लग रहा कि रोशन कर रहा हूँ, हैं करा मैंने रोशन। हाँ बिल्कुल बिल्कुल भाई, गांव में दिवाली बन गई यार तू अब, बिल्कुल भाई जैसे सूचना आ रही है कि गांव में पीछे अभी आज रात के जश्न दिवाली मनाई, मैंने दिवाली मनाई गई, वीडियो वीडियो देखी, मैंने वीडियो देखी जिसमें सारे भाई मेरे, सारे मेरे बड़े और मेरे छोटे भाई भी, सारे जने बहुत दिल से मेरी जीत का जश्न मना रहे हैं, तो मैंने यूनिटी बहुत टाइम बाद देखी, बट बट एकदम से वापस पूरा, जब कुछ भी किसी पे मुसीबत या फिर किसी की जरूरत पड़ती है तो सारा गांव इकट्ठा हो जाता है, वो मैंने देखा, तो देश प्रदेश हो गए, देश प्रदेश सारे जने इकट्ठे हो गए, और मैं तो ये देख रहा हूँ कई भाई अपने हाथों पर टैटू बनवा रहे हैं, कई जने अलग गाड़ियों पे पोस्टर पोस्टर गाड़ी, मेरी बात वो जो 1000 गाड़ी वाली वो बात कितनी सीरियसली ली जा रही है, तो बहुत बहुत शुक्रिया सभी लोगों का। अभी ये भी जो मैंने वर्ड्स बोले इनफ नहीं है, जितना भाई आप लोगों ने मेरे लिए करा बिल्कुल भी इनफ नहीं है, जितना भी बोलूं उतना कम है, बट थैंक यू जो इतना प्यार दिया और एक तरफा जीत दिला दी, वाइल्ड कार्ड को इतना तुमने वो समझा, दिल से शुक्रिया। और मेरे पापा पूजा भट्ट जी से मिले, कैसा लगा आपको वहाँ पे आती पहली चीज़ की, मैंने तो जी दिल है कि मानते नहीं भाग के देखी थी करते वो भी खुश हो गई वो मेरे साथ, आज कल भी कही उसने, कल था आज, हाँ कल अपने पापा से बट से मेरा मेरी फिल्म जो है ना, मैं चाहती थी आपसे मिलेगी, अच्छा आप दोनों बैठे मेरा दिल खुश हो गया, फिर इन्होंने भी कह दिया इसकी मम्मी ने कहा मेरा बेटा आपके साये में था एक महीना, हम भी खुश थे वास्तव में थे। आपको कैसा लगा पूजा भट्ट से मिलकर?
बढ़िया। और जो मेरे भाई गुड़गांव में, दिल्ली में, मेरे होम टाउन में, मेरे गांव में मेरा वेट कर रहे हैं, कुछ दिनों के गैप के बाद मैं ज़रूर वहीं पे मिलूंगा आप लोगों को। बट अभी जो ये सब प्रोग्राम होते हैं, रियलिटी शोज़ होते हैं, इनके बाद भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं अलग अलग जगह इनकी, तो वो चीज़ें अटेंड करनी भी फॉर्मेलिटी है। मेरे कॉन्ट्रैक्ट में था, मेरा मन था कि मैं घर जाऊँ, मम्मी पापा जैसे अभी आ रहे हैं, तो मेरे को कहीं और जाना पड़ेगा कुछ टाइम के लिए। कितना, 7-1 दिन लगेंगे, कितने एक दिन? हाँ भाई, 5-6 दिन लग रहे हैं। 1 हफ्ता लगा लो, 1 हफ्ता, उसके बाद एक तगड़ा प्रोग्राम सभी लोगों के नाम मेरी तरफ से। अभी ऊपर जाएंगे और भाईयर से मिलवाएंगे, सबका रिएक्शन लेंगे। वैसे सब बहुत खुश थे, हम भाई की आंखों में बहुत ज़्यादा आंसू थे हमारे, मैंने देखी वीडियो। ये वाला, और ये वाला फ़ोन कौन सा मेरा? ओके, तो अभी ऊपर चलेंगे, भाईयर से मिलवाएंगे और फिर आगे की कार्रवाई करते हैं शुरू। और फिर लो जी, भाई मेरे सारे भाइयों को, आप मुझे पता है तुम लोगों ने बहुत सपोर्ट करा मुझे, भाई तो अंदर भी आए हमारे और बहुत सारे हिंट्स भी देके गए छोटे छोटे, जो कि मुझे समझ नहीं आया, मैं थोड़ा कम बुद्धि निकला। यहाँ पर पार्टी चल रही है फुल भयंकर, बाहर दिन भी निकल आया। तो पहली बात तो भाई सबका बहुत शुक्रिया दिल से मेरे। तुम कैसे उदास खड़े हो, घने थक गए तुम मेरी जीत तक? खुश ना हो क्या? अरे खुश ना लग रहे तुम, हम ही आए थे, वही रो रहे थे, ये और ये इतना रो है ना तेरे लिए। एक महीने में कैसे क्या कर दिया, सब कमजोर हो गए भाई, तुम्हारी कमजोर तो हो गए, सबके मजे में ऐसे गिर गए। ट्रॉफी पहले तो बाहर निकल के ज्यादा अच्छा लग रहा मुझे, कि बाहर की जेल थी ना, जेल थी भाई, जेल थी बट थोड़ी बड़ी जेल थी, उसमें खाना भी था, सारी चीज थी, पर थी तो जेल, नो डाउट जेल थी ना। Yes. हाथ में मोबाइल पकड़ के कैसा लग रहा है? मैंने पकड़ा मोबाइल, ऐसे पकड़ा मैंने कि यार ये क्या है, मतलब ये हाथ में ना पकड़ा नहीं जा रहा, मैं पहले तेज चलाता था ये, अब हो गया स्लो, धीरे धीरे ऐसे ऐसे करने लगा, मैंने कि यार कुछ तो चेंज हुआ है। 2-3 दिन लगेंगे ठीक हो जाए। भाई बहुत बढ़िया पार्टी हमारी, और अब 5-7 दिन तो मेरे को थोड़ा काम है, उसके बाद गुड़गांव पहुंचूंगा। भाई यार मेरे हिसाब से कल परसों की आप लोगों की फ्लाइट है, पापा की, तुम भी गए लोगे मेरे, वो दिन जाएंगे तेरी में मेरी पद्धी चढ़ के जाना। हाँ। बाकी भाई यार ने अभी मेरे को रील्स दिखाई पीछे से, क्या क्या हो रहा है, रोज कितने मिलियन ट्वीट्स हो रहे हैं, सारी चीजें हो रही हैं, और जितने भी लोग, मतलब इतना प्यार मैंने अपने 7 साल के करियर में नहीं देखा जितना मैंने 30 दिनों में देख लिया, बल्कि एक दिन में बाहर निकल के देख लिया कि यार ये क्या हो रहा है। तो मेरे लिए काफी अनरियल एक्सपीरियंस, और जब सलमान भाई ऐसे हाथ वाला सीन था ना, जिन जिन ने, हाँ, आप लोग देख रहे थे वो, हाँ, भाई इंडिया पाकिस्तान से ज्यादा एक्साइटमेंट था भाई, मेरे धक-धक हो रही बहुत तेज धक-धक हो रही, मैंने उनका हाथ पकड़वा के अपने धर दिया, मैंने की देखा वो सीन भी देखा हमने यार। और फिर जो सलमान भाई ने जो बोला वो भी देखा हमने, की दिल दिल है और फिर दूसरी साइड में करा डर है दिल में सही है पॉइंट मारा है, वो भी कह रहा है भाई बहुत, भाई सलमान खान है ऐसे ही, सलमान खान थोड़ी है तो ना, बहुत बढ़िया एक्सपीरियंस रहा मेरा, मतलब पहली बार मैंने देखा, मतलब मेरा तो पहली बार था कि ये सलमान खान है क्या, अब मैं सलमान के साथ साथ खड़ा हूं, तू मेरी तरफ ना देख रहा, मैं रुक रहा था, आप पापा कह रहे थे रिलैक्स, मेरा ही हो रहा, मैं मेरी धड़कन तेज हो रही, मैंने उधर से हाथ उठा कि सब ओके है ना, और ये समझ रहे कि जीत गया, ओके है सब, हमें जब तुम दोनों अंदर आए, जो तुम मिलने आया, जब मैंने तेरे कान में क्या कहा था, अच्छा तब अभी,
अभी अभी तो जो काला घोड़ा दिया मैंने आपको तब तब तो सुना ही नहीं मैंने मैं आपको क्या कह दिया आपने मैंने कह दिया था मैं को जीत चुका है तू अरे जीत तो चुका ही था भाई बहुत पहले तू पहले चुका था भाई जीत तू दिल भी जीत गया और तू शो भी जीत गया भाई जिस दिन से अंदर गया था उसी दिन से जीत गया था मैं तो बोल रहा मैंने इलेक्शन लड़ेगा तू जीत जाएगा हम सभी समझ गए और इसको समझ ही नहीं आ रहा ये उसके साथ गॉसिप कर रहा है बीजेपी सरकार कांग्रेस सरकार जो भी सरकार पाना जाती है भाई एक चीज और हमने बहुत सारे रिकॉर्ड्स तोड़े जो कि बाहर लोगों को पता चल गया वो मेरे लिए काफी नया था इंस्टाग्राम पे हमने फास्टेस्ट 1 मिलियन फॉलोअर्स अल्लू अर्जुन का था 69 मिनट्स का हमारा 43 मिनट्स का भाई वाह क्या बात है और फास्टेस्ट 1 मिलियन लाइक का भी हमने तोड़ा इंस्टाग्राम पे रिकॉर्ड तो ये 10 मिनट से भी पहले 9 मिनट में हुआ भाई वो रिकॉर्ड भी हमने तोड़ा काफी रिकॉर्ड्स तोड़े दिल भी तोड़े दिल भी तोड़े यार बट कुछ भी हो जर्नी बहुत ज्यादा मेमोरेबल और बहुत ज्यादा यादगार मेरे लिए काफी नया एक्सपीरियंस था काफी अनरियल की ये सब क्या होता है रियलिटी शोज में बट एक चीज है भाई कोई स्क्रिप्टेड नहीं कुछ नहीं सारा एकदम रॉ जो तुम अंदर से हो इस शो का मतलब ये था कि अगर तुम रियल रहे तो ही जीत सकते हो और मैं रियल रहा तो भगवान की दया से और आप लोगों की दया से मैं जीत गया और जिसके पास भाई ऐसे पिलर्स हो वो फिर मुश्किल है उसको हराना भाई है ये सारे मेरे कई पिलर्स हो भी रहे हैं हमारे लेटे हुए भी बहुत बढ़िया भाई ले भाई पिज्जा ही पिज्जा आए जा रहे हैं खाए जाओ बिग बॉस के पैसा लग रहे हैं पैसा दे दे उसको दिए 25 लाख रुपए जीता हूँ भाई अकाउंट में आ गए भाई मैं ना कई बार मेरे मन में आई कि पूछूं कि वो 25 लाख रुपए का क्या है पर शर्म सी आवे कि अब वेनु सोचे तो स्टार बन गया यार 25 लाख पर हो रहा तो मैंने पूछा तो कह रहा कि कैश कर दे मैं मेरे को कैश की जरूरत हम पता है अंदर जब बैठे थे मैं मनीषा बेबी का और वो तो बादशाह आया तो मैंने बेबी खाते कही वहां पे ऐसा था कि ना तुम बाहर की बात नहीं कर सकते और माइक जो लगा रहता ना वो सब सुनता हूँ बंदे रेडी रहते हैं कि साड़ा क्या बाहर की बात करे हम इनको टोके तो मैंने बेबी का कही मैंने की बेबी का कह रही हाँ मैंने कि मैं तुझे कुछ कहूंगा बोलियो मत कह रही क्या मैंने कि मैंने बादशाह से पूछी कि कौन जीता तो उसने कही हर बार ऑफर ना कि टॉप थ्री में एक जना ये बोलते कि तुम में से एक जना 10 लाख रुपए लेके निकल जाओ इस बार ऑफर ही ना जब वो बॉक्स रख के समझा मैं तो खड़े रहूंगा ना वो कह रहे थे ना उठाओ भाई इनको समझ नहीं पाया उसमें क्या क्या कह गया भाई इसमें कुछ पैसे वैसे कहेंगे ये वो उठाना मैं नहीं। नहीं। खड़े रहना है उसके बाद बादशाह ने कही सबके लिए ना उनके कानों में वो आता है क्या बोलना सबके लिए कानों में आता है उनके लिए क्या बोलना है तो बादशाह ने बोला कि बेबी का जी इज लीडिंग कुछ टर्म बोला लीडिंग तो मैंने बेबी का घर देखा मैंने देखा बेबी का खुश होगी मुझे तो पता ही था और थोड़ी इमोशनल हो गई तो मुझे बुरा लगा मैंने कि यार मैंने इसका दिल तोड़ दिया यार कि इसे लगा ये नंबर वन पर ये तो चार पे निकल जाएगी मुझे ये भी मेरे को पता थी ये मेरे को पता थी और जो वो वाला हुआ धुएं वाला जिसमें फोन बूथ तो मैं खड़ा रह गया मैं मुझे ऐसा लग रहा था जिसका दम पहले घुट जाएगा वो आउट हो जाएगा मगर दम ही ना घुटन देना ऐसे ही खड़ा सीधा मेरे को लग रहा है कि जो दिख रहा है वो जाएगा मगर भाई सबसे पहले ये दिखने लग गया दो दिख नहीं रहे ये तो जाने का भाई ये जो दिख रहा है मनीषा की आवाज आ गई थी जब वो धुआं हुआ ना तो आवाज आई किसी ने मनीषा पकड़े खींच दी एक जना ये दिखने लगा था मगर भाई पता नहीं क्या हो रहा है दिख रहे तो भाई एक धुआं इसे तो धुआं भी ढक पाया ढंग से बाहर आके मेरे को पता लगा काफी चीजें चेंज हो गई हैं लाइफ में लाइफ पहले थोड़ी ऐसी थी अब काफी ऐसे हो गई है आलिया भट्ट का भी मैंने बयान सुना कि हमने आपका भी सुना आलिया भट्ट का बयान आपने जो दिमाग दिया आलिया भट्ट को तो मैं अभी भी अपनाने को रेडी हूँ अब मैंने भी दिया था सिग्नल अंदर जाके ये अंदर था मैं कहा भाई वो तेरे को ऐसे ऐसे कर रही है ये सुन ही नहीं रहा मैंने कहा क्या बोलो ये क्या था इसने मुझे बोला उसकी वहां पे ऐसे थी तो इसने कहा आलिया भट्ट को ये कर देते है तो मैं कहा वो तेरे को ऐसे कर रही है सुना नहीं मेरी बात वो चला रही है
यार काटने वाला उसने पूजा भट्ट की स्टोरी डाली, वो तेरी तारीफ कर रही है। रणबीर कपूर यू डिजर्व बेटर, रणबीर कपूर यू डिजर्व बेटर, छोड़ दो यार आलिया को। हाँ मेरे लिए प्लीज। भाभी का वादे, भाभी का वादे फिर क्या हो भाई? आलिया भाभी, बाकी आलिया भट्ट को थोड़ा साइड करते हैं, और मेरी आम जो मेरी आर्मी चाहने वाली मेरी आर्मी एलविश आर्मी, मुझे लग रहा था सिस्टम आर्मी के नाम से चल रहा होगा बाहर, बट बाहर इनने चला रखा भाई सबने एलविश आर्मी। तो मेरी आर्मी को भाई दिल से बहुत थैंक यू, मेरे पे वर्ड्स नहीं है, सही बताऊं जेन्युइनली मेरे पे वर्ड्स नहीं है कि इतना प्यार मैंने अपनी जिंदगी में नहीं देखा, और ऐसे ही शायद बरकरार रहे। माता जी ने कमिटमेंट की है इस ट्रॉफी पे एलविश आर्मी नाम लिखवाएंगे, ये कमिट कर। माँ ने आज के व्लॉग में बोला था, सुबह लाइव में बोला था एलविश आर्मी, अगर हम मेरा छोरा जीत गया तो ये ट्रॉफी बिग बॉस जो भी लिखा होता उसमें विनर विनर। भाई तो मैं लग रहा था ना मैं जीतूंगा, हां मैं लग रहा था बाय डिफॉल्ट, बाय डिफॉल्ट भाई बड़ा ना उसी दिन बता दी जिता के लिखाएंगे, बाय डिफॉल्ट, बाय डिफॉल्ट डे वन पे। हां यहीं तो खुदवा के चलेंगे, वहीं खुदवा लेंगे एलविश आर्मी भाई, यहां घर वालों चाहे वहां घर वालों ट्रॉफी उन्हीं की है। पापा लेके जा रहे ट्रॉफी, तो उसमें एलविश आर्मी बाहर की जिंदगी थोड़ी सी जी लूं कि कैसा है बाहर का आसमान, क्योंकि हमने तो देखा नहीं कभी। अब सोने की जरूरत क्या है भाई, हम पीछे तब मैं दूध वाद काड़े भैंस के 5 बजे 6 बजे लिए भाई। ठीक है गाइस, फिर लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब और कीप लविंग कीप सपोर्टिंग।